हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? मैं एकदम ठीक हूँ और अपने घर पर हूँ। मिस्टर मोदी ने जो बोला है लॉकडाउन हम लोगों को 21 डेज में करने के लिए, मैं बिल्कुल उसको फॉलो कर रही हूँ। तो आजकल ऑफिस वगैरह बिल्कुल बंद है और बहुत सारा टाइम है अपने प्लांट्स की केयर करने के लिए। तो आप लोग भी कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड होकर अपने घर पर ही मुझे लगता है बैठे होंगे, और ये बहुत सेफ भी है कि अभी हमें अपने घर पर ही रहना है और सारे इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट हमें दे रही है हमें उन्हें फॉलो करना है। आज का वीडियो है इस प्यारे से पॉलका डॉट प्लांट पे। इसके कलर देखो फ्रेंड्स, कितने ही सुंदर हैं। ग्रीन ग्रीन कलर के लीव्स हैं, उसके ऊपर पिंक डॉट्स हैं और ये न्यू लीव्स निकल रहे हैं। ये थोड़े से ग्रीन कलर के हैं और जैसे जैसे ये लीव्स थोड़े से पुराने होते जाते हैं ये डार्क पिंक कलर के होते रहते हैं। और देखो, मैंने इसको अपने होममेड प्लांटर में, जो बिल्कुल ही छोटा सा पॉट है, ये एक वेस्ट डब्बा था मेरे पास और मैंने इसको होममेड प्लांटर में कन्वर्ट करके इसी में इस प्लांट को लगाया, पॉलका डॉट को, जो बहुत आसानी से मेरा ग्रो हो रहा है और बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये प्लांट है। जहाँ तक मुझे पता है फ्रेंड्स, पॉलका डॉट में 3 शेड्स आते हैं। एक ये पिंक डॉट वाला, एक मेहरून डॉट वाला और एक ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखो, मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ से एक ही कटिंग लेकर आई थी और ये बहुत आसानी से मेरी कटिंग जो है वो चल रही है। ये देखो, इतनी छोटी सी ही कटिंग मैं लाई थी और ये अब चलने लग गई है और बहुत आसानी से ये कटिंग भी मेरी ग्रो हो रही है। आप देखिए, ग्रीन कलर का पॉलका डॉट जो होता है वो बिल्कुल ऐसा दिखता है और थर्ड कलर जो होता है वो मेहरून होता है, जो मेरे पास है नहीं अभी और मुझे नर्सरी में दिखा तो मैं बहुत जल्दी इसको लेकर भी आऊँगी। और बहुत ईजी टू केयर प्लांट है फ्रेंड्स, बिल्कुल इसकी केयर जो है कोलियस की तरह ही मुझे लगी और कुछ खास ध्यान देना नहीं होता इस प्लांट में। वाटरिंग जो है वो हमें तब करनी है जब थोड़ा सा जो है मिट्टी हमें 1 से 1.5 इंच तक ड्राई दिखेगी, तब हम इसमें पानी डालेंगे। बीच बीच में इसकी पिंचिंग करते रहेंगे। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ ऊपर से मैंने इसको पिंच किया था और ये नए नए लीव्स इसमें से निकलने शुरू हो गए। एक मैंने पिंचिंग और की थी इसकी, एक मिनट मैं देख लूँ मैंने कहाँ करी थी। देखो, ये देखो, आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ से पिंचिंग करी थी, उसके बाद ये नए नए लीव्स निकलने शुरू हो गए। तो हमें बीच बीच में जो है इसकी ऐसे ही पिंचिंग करती रहना है, तभी जो है ये बुशी लुक देता है। जब हम ऊपर से पिंच कर देते हैं तो नीचे से बिल्कुल कोलियस की तरह 2 अलग शूट्स निकल कर आते हैं और वो हमारे प्लांट को बहुत बुशी बनाता है। सनलाइट की बात करें तो जितने भी हमारे ऐसे वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं जिनमें शेड होता है, तो इनको धूप की रिक्वायरमेंट ज़रूर रहती है। तो ये प्लांट जो है मेरे यहाँ पे 4 घंटे की धूप में पड़ा हुआ है, 4 घंटे की धूप इसको मिल रही है, लेकिन मेरी फ्रेंड के यहाँ पे ये फुल टेरेस पे पड़ा हुआ है और उनका आप यकीन मानोगे पूरी धूप आती है और बहुत अच्छे से चल रहा है। सिर्फ जो उनको थोड़ा सा हटाना पड़ता है, इसको मई जून की जब बहुत तेज़ वाली धूप होती है तब वो इसको ऐसी लोकेशन पे रख देती हैं जहाँ पे बहुत तेज़ धूप ना पड़े, लेकिन मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ तो आती ही 3-4 घंटे की धूप है। तो बिल्कुल मैंने इसको ऐसी ही लोकेशन पे रख दिया है। देखो, मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ और आप देख पाओगे कि यहाँ पर इसको पूरी सनलाइट जो है वो मिल रही है इस वक्त सुबह की, और आसानी से मेरा ये प्लांट जो है इस सनलाइट में ग्रो हो रहा है ऐसे ही। और बस इसको 3-4 घंटे की धूप दीजिए, मिट्टी जो है वेल ड्रेन लीजिए, थोड़ी पोरस मिट्टी लीजिए क्योंकि इसकी जो स्टेम्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं और उनको एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। तो बिल्कुल आप ऐसे ही ऐसी जगह पर इसको लगाइए जहाँ पर इसको जो है एक तो धूप मिल जाए, पानी आपको कब डालना है, और तीसरा मैंने आपको बताया कि इसकी मिट्टी जो है नॉर्मल पॉटिंग सॉइल से थोड़ी सी ज़्यादा आपको जो है वो पोरस बनानी है। मैंने इसकी सॉइल में जो है कोकोपीट ऐड किया है, 50% कोकोपीट था और 25% कंपोस्ट थी और 25% ही मेरी नॉर्मल गार्डन वाली मिट्टी थी, उसमें ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो पॉलका डॉट प्लांट की केयर करना बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम कोलियस प्लांट की करते हैं,
तो उम्मीद सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे गार्डनिंग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को आपको प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।